देश और प्रदेश में भाजपा की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद शांता कुमार को बधाई देने वालों की उनके निवास स्थान पालमपुर में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। इस मौके पर नूरपुर के विधायक ने शांता कुमार को बधाई दी। शांता कुमार ने इस मौके पर कहा कि लोगों ने मतदान नहीं किया, लोगों ने अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता भारतीय जनता पार्टी को इस बार दी है और ऐसी सफलता है जिससे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। शांता कुमार ने कहा कि सफलता का मुख्य कारण भाजपा सरकारों के काम, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व है और भाजपा के लाखों कार्यकर्ता का समर्पण के साथ काम करना है। दूसरा कारण ये था कि देश के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था। देश की जनता ने समर्थन ही नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर दी है। शांता कुमार ने कहा कि चुनावों के परिणाम से बहुत ज्यादा खुश हैं। एक बात की चिंता है, चिंता इस कारण है कि लोकतंत्र सशक्त विपक्ष के बिना नहीं चल सकता। एक ही ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस देश में थी और पता नहीं 22 प्रदेशों में कांग्रेस लगभग साफ हो गई है और भाजपा के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कोई भी ऑल इंडिया पार्टी नहीं है, ये चिंता का विषय है। शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस पुनर्विचार करे और कांग्रेस एक परिवार की गुलामी से बाहर निकले। जब तक वे एक परिवार की गुलामी से नहीं निकलेंगे, कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित होना संभव नहीं है। कुछ वरिष्ठ नेता हैं, वे आगे आएं, पार्टी को एक वंश की गुलामी से निकालें और देश को एक सशक्त विपक्ष दें। मंडी संसदीय सीट की जीत पर शांता कुमार ने कहा कि पूरे देश के अंदर कुछ नई बातें सामने आई हैं। जनता ने इस चुनाव में जात पात छोटी बातों को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है, केवल देश का भला क्या है इसको देखकर वोट दिया है और ईमानदारी की राजनीति को जनता ने आगे बढ़ने के लिए अपना वोट दिया है और दल बदल को भी उन्होंने नकारा है। सोलन में भाजपा को जितनी उम्मीद नहीं थी उससे दोगुनी जीत हासिल हुई है। भाजपा को जिला सोलन में अर्की, नालागढ़, दून, कसौली सभी विधानसभा क्षेत्रों से भारी बहुमत मिला है। यही कारण है कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखा जा रहा है। भाजपा ने सोलन में जश्न मनाना आरंभ कर दिया है, ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो चुके हैं। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष पवन गुप्ता और पार्षद भरत साहनी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज सोलन जिला से भाजपा को भारी लीड मिली है, जिसके लिए वे सोलन की जनता को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ईवीएम मशीनों को कोसने के सिवाय कुछ नहीं कर रही है। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल को 4.5 लाख से अधिक मतों से जीत निश्चित की है। भाजपा की इस शानदार जीत से कार्यकर्ता गदगद नजर आए और उन्होंने धर्मशाला में पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला में रैली निकाली व प्रधानमंत्री मोदी और कपूर के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट पर कांग्रेस ने टिकट के लिए सबसे ज्यादा रोना जात पात का रोया था। इसी के चलते ही ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से कैंडिडेट आगे किया था, लेकिन भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है और इन चुनावों में कांगड़ा चंबा संसदीय सीट पर कांग्रेस के लिए ओबीसी कार्ड जैसा कुछ भी नहीं चला। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर ने प्रदेश की चारों सीटों पर सर्वाधिक लीड लेकर शानदार जीत दर्ज की है। कपूर स्वयं गद्दी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तो कांग्रेस ने उनके सामने ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रत्याशी पवन काजल को ये सोचकर उतारा था कि इस कार्ड के सहारे नैया पार लग जाएगी, परंतु अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए भाजपा ने कांग्रेस का ये सारे भ्रम तोड़कर रख दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर को जीत की बधाई देने स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी, विधायक मुल्कराज प्रेमी रविंदर धीमान भाजपा संसदीय कार्यालय धर्मशाला में पहुंचे। उन्होंने किशन कपूर को इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं दी। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से विजय श्री हासिल करने वाले भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कहा कि
ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। परिणाम घोषित होने से ही किशन कपूर पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे, जहां समर्थकों व कार्यकर्ताओं की भीड़ ने कपूर का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी। इस दौरान जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं में किशन कपूर के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। पार्टी कार्यकर्ताओं में शामिल महिला व पुरुष किशन कपूर के साथ सेल्फी लेते नजर आए। कपूर की जीत की खुशी में जहां कार्यकर्ताओं ने कपूर के बेटे शाश्वत कपूर के साथ कचहरी चौक पर डांस किया, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम जयराम ठाकुर और जनता पार्टी के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में लड्डू भी बांटे। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज में 3 विधानसभाओं के मतगणना की गई, जिसमें भाजपा के 3 प्रत्याशियों को बहुमत मिला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर अपनी खुशी प्रकट की और नरेंद्र मोदी के नारे लगाए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ठाकुर रविंद्र सिंह रवि ने बताया कि सबसे पहले पूरे देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ और नरेंद्र मोदी व अमित शाह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये देश में सदियों बाद लगातार बहुमत प्राप्त हुआ है। यह केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी की नीतियों को, जिससे पार्टी के अंदर जोश भरा हुआ है, जिसका परिणाम है ये आम जनता व कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जितनी भी योजनाएं पूरे देश के लिए बनाई गई, सबका साथ सबका विकास लेकर जो बनाई गई है, ये जीत उसकी है। ये जीत राष्ट्रभक्ति की जीत है। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार बनी है, जिसमें केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ मिला है, ये उसी का परिणाम है। और सबसे अहम बात ये भी है कि विश्व में मोदी मोदी छाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने एक नया आयाम स्थापित किया है, जो परिणाम सामने आए हुए हैं, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है।